प्राधिकरण के जो ट्रांसफर चार्जेस लेते हैं उस विषय पर है जिस पर हमने प्रेस विज्ञप्ति बनाई है और आप सब लोगों को दी है कि भाई जो ये ट्रांसफर चार्जेस लेते हैं वो बड़े गलत तरीके से उसका वसूली या कैलकुलेशन हो रही है। इस संबंध में विस्तार पूर्वक अभी सबसे पहले हमारे सेक्रेटरी जनरल प्रशांत त्यागी जी बताएंगे, फिर बाद में जो ब्रीफ आ जाएगा मैं बताता हूँ। चलो, आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया कर्मियों का, छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं नोएडा सिटीजन फोरम के आज इस मंच पे। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि नोएडा सिटीजन फोरम जो है ये नोएडा में रहने वाले नागरिकों का एक संगठन है, एक उनका मंच है जो कि उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जनप्रतिनिधि और सरकार के समक्ष उठाने का कार्य करता है। एक विषय काफ़ी दिनों से हमारे संज्ञान में आ रहा था ट्रांसफ़र चार्जेस को लेके, तो ये हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखा गया और सबने पाया कि भाई ये विषय सीधे तौर पे आमजन से रिलेटेड विषय है तो इसको ज़रूर उठाना चाहिए। विषय ये है कि नोएडा प्राधिकरण जो है जब भी कोई प्लॉट बिकता है, मान लीजिए मेरे पास कोई प्लॉट है या किसी के पास भी हो, वो जितनी बार बेचा जाता है उसके ट्रांसफ़र चार्जेस लिए जाते हैं। जो ट्रांसफ़र चार्जेस लिए जाते हैं, हमारा ये कहना है कि जितनी समय अवधि शेष रह गई है, मान लीजिए 1980 में कोई प्लॉट लिया गया, अलॉट हुआ, तो उसने उसके अलॉटी ने उस प्लॉट को बेचा, मान लीजिए आज 2021 तक वो प्लॉट 10 बार बिक चुका हो, तो प्राधिकरण 10 बार उस पर चार्जेस ले लेता है, जबकि जो पहला अलॉटी था उसने 90 साल की डीड के लिए उसको पहले ही वो चार्ज दे चुका है। अब मान लीजिए आज जो व्यक्ति ले रहा है 10 बार उसको बिक चुका, वो प्राधिकरण बार बार उसको लिए जा रहा है, और आज 2021 में मान लीजिए वो पुनः बिकता है प्लॉट, तो उसके ऊपर फिर ट्रांसफ़र चार्जेस लिए जाते हैं जो कि गलत है। गलत इसलिए है कि जो आदमी आज ले रहा है उस प्लॉट को और उस वो पैसे पूरे 90 साल के दे रहा है, मतलब 90 साल की लीज डीड के पैसे आज वाला भी दे रहा है, जबकि उसने आज प्लॉट खरीदा उसको 40 वर्ष बीत चुके या 50 वर्ष बीत चुके, तो उसको कायदे में प्राधिकरण को जो शेष समय रह गया है 50 साल का है, जो भी कैलकुलेट करके 90 साल में जो शेष पीरियड रह गया है, मान लीजिए 40 साल रह गए हैं, तो 40 साल का हिसाब से कैलकुलेशन होके गणना होके उसके ट्रांसफ़र चार्जेस लिए जाने चाहिए। अब आदमी एक ही प्लॉट को बार बार बिक रहा है, ट्रांसफ़र चार्जेस हो रहे हैं तो वो गलत है। तो हमारा मानना ये है, हमारा कहना, हमारी मांग ये है नोएडा प्राधिकरण से, सरकार से, कि जो समय अवधि शेष रह गई है उसकी कैलकुलेशन होके उस समय अवधि का ट्रांसफ़र चार्ज लिया जाए, ना कि पूरा 90 साल का। तो ये मेरा एक अनुरोध था, बाकी अध्यक्ष जी और बेहतर बताएंगे। मैं इसे एक एग्जाम्पल देकर आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक सेक्टर का एक प्लॉट 2020 में अलॉट हुआ और वो 2021 में बिकता है, उस पर ट्रांसफ़र चार्जेस लिए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल 9,000 रुपये मीटर, और उसी सेक्टर का एक प्लॉट जो अब से 40 साल पहले अलॉट हुआ था उसके आज जो बकाया टाइम रह गया वो 50 साल का रह गया, 40 साल तो निकल गए, उससे भी वही चार्ज लिए जा रहे हैं जो उससे लिए जा रहे हैं, उसको तो 90 साल का टाइम मिलेगा, उसे सिर्फ आगे के 50 साल का टाइम मिलेगा, तो वो चार्जेज उससे प्रोरेटा बेसिस पर 50 साल के हिसाब से लिए जाने चाहिए, ना कि फुल रेट के चार्जेज लिए जाने चाहिए। अगर किसी को अभी भी कोई समझ में नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ, मैं उसको और क्लियर कर दूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नोएडा में जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, कॉमर्शियल है या फ्लैट है, उनके ट्रांसफ़र चार्जेस के संबंध में है कि ट्रांसफ़र चार्जेस जो लिए जा रहे हैं उसको युक्ति संगत बनाना चाहिए, वो नहीं है। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी का अभी लीज टाइम बचा हुआ है 90 साल या 80 साल, और जिस किसी प्रॉपर्टी अब से 40 साल पहले लौट हुई उसका बचा हुआ है 50 साल, तो सबका एक समान लीज ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसफ़र चार्जेस जितना अवशेष का समय है उसके आधार पर प्रोरेटा बेसिस पे ही लिया जाना चाहिए। सर, इस संबंध में आपकी किसी अधिकारी नोएडा प्राधिकरण की? नहीं, अभी हमारी मीटिंग में अभी किसी से बात नहीं हुई है, अभी हमने लेटर उनको भेज दिया है, लेटर ऑलरेडी हम भेजने के बाद ही आए हैं, और आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल अखबार में जब छपेगी तो वो सब लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हमें उम्मीद है कि वो खुद बुला के बात करेंगे, नहीं करेंगे तो हम जाके बात कर लेंगे।
हमारा प्रयास होगा कि हम उन लोगों को कन्विंस करें और अपनी बात को जनहित में, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनको कन्विंस करके इस बात को मनवाएं। ये हमारा प्रयास रहेगा।